अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेनम कुजीन। आज मैं आपके सामने एक मैंगो की डिश लेके आ रही हूँ। मैंगो डिलाइट या मैंगो डिज़र्ट हम इसे कहेंगे। बहुत क्विक और बहुत इजी बनता है, साथ ही मैं आपको इसमें इसको डिकोर करना भी सिखाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। अभी इसमें आपने करना ये है कि हम मैंने 1 कप जो है क्रीम को मैंने व्हिप करके यहाँ पे रख दिया है, और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून कास्टिंग शुगर डाली है। ऑलरेडी देखिएगा बड़ी अच्छी इसकी क्रीम व्हिप हुई हुई है। एक तो आपका स्टेप हो गया ये। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है कि मैंगो को की प्यूरी जो है वो आपने ब्लेंड कर लेनी है। ये देखिएगा लास्ट मैंगोज़ हैं इसलिए इनके कलर ज़रा थोड़े से लाइट है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने इसमें मैंगो ऑलरेडी मीठा होता है तो आप कोशिश करें कि कम इसमें शुगर डालें। आप चाहें तो कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें मैंगो यूज़ किया है, तकरीबन 1/2 kg मैंगो है, उसकी मैंने प्यूरी बनाई है। आप ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, बहुत इजी और बहुत क्विक बन जाती है। इसके बाद मैंने इसमें कास्टिंग शुगर 4 टेबल स्पून डाली है। आप चाहें तो 4 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो उसके हिसाब से कर लें। अब हमने करना ये है कि हमने यहाँ पे जेलेटिन को बना के रखा हुआ है। जेलेटिन बनाने का बहुत इजी तरीका है, आपको पता है। थोड़ी सी 2 टेबल स्पून मैंने जेलेटिन ली है और मैंने पानी को बॉईल करके या करके इसी में मैंने बाउल में इसकी मिक्सिंग कर दी है। ये हमारी जेलेटिन तैयार है, और हम जेलेटिन जो है वो तकरीबन हम ये वाले जो टी स्पून हैं, हम 5 टी स्पून हम मैंगो प्यूरी में डालेंगे। वेरी इजी, वेरी क्विक और बहुत जल्दी ये डिज़र्ट बनता है। ये लीजिएगा, इसको हम मिक्स कर देंगे और साइड पे रखेंगे। इसको फॉर फ्यू मिनट्स हम इसको सेट होने देते हैं, इसकी अच्छी मिक्सिंग कर लें। उसके बाद मैंने थोड़े से मैंगो चंक्स काट के रख दिए हैं। ये मैंगो चंक्स इसको हम साइड पे रख देते हैं। ये मैंगो चंक्स मैंने ले लिए हैं, और मैं अब आपको बेसिकली डिकोर करना सिखाऊंगी कि वेरी क्विक आप किसी पार्टी या कोई आपके घर में आ रहा है तो जल्दी से बहुत अच्छा और बड़ा नीट तरीके से आप कैसे इसको डिकोर कर सकते हैं। सिंपल सा मैंने एक मट्टी का सिंपल सा मैंने एक लकड़ी का नीचे बाउल ले लिया है, या आप गोल कटी हुई कोई भी चीज़ ले लें। कोई किसी किस्म के ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं, मैंने ये ग्लासेस यूज़ किए हैं। अब मैं आपको इसको डिकोर करने का तरीका बताती हूँ कि हम इसको डिकोर कैसे करेंगे। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। पहले हम बाउल हमारे बहुत प्याला छोटा है, शीशे के बाउल्स आप कोई भी ले सकते हैं, ग्लासेस ले सकते हैं जिस पे आप डेकोर करना चाहें। पहले मैंने थोड़े से चंक्स जो हैं वो जस्ट अ लिटिल बिट चंक्स मैंने इनको नीचे डाल दिया है। इसी तरह सारे ग्लासेस में आप नीचे डाल दें चंक्स, और इनको एक दफ़ा सेट कर लें। सेट करने के बाद हम सेंटर में जो है इसका बहुत क्विक बनती है। आपको इसको चिल बहुत अच्छा करना है, तकरीबन 1/2 आवर से ज़्यादा कोशिश करिएगा। यह आपका डिपेंड करता है कि आपने कितनी देर चिल करना है, कितनी जल्दी चिल हो जाता है। अगर तो आपको टाइम लगता है तो फिर आप और बहुत गेस्ट जल्दी आ रहे हैं तो यू कैन कीप इट इन द फ्रीज़र। इसके बाद हम इसमें जो हमने मैंगो प्यूरी बनाई हुई है विद जेलेटिन, साथ हमने कास्टिंग शुगर डाली हुई है, इस तरह करके हम इसको क्विकली आप इसको फिल कर दें। इतनी जगह पे फिल करना है कि बाकी जो है हम उसके ऊपर विपी विप क्रीम को डालेंगे, और विपी विप क्रीम ही मैंने यूज़ की है। ये देखिएगा, ये जस्ट ऐसे आप डालें कि इसका स्पून जो है बड़ा अच्छा और बड़े मज़े का ये आ जाता है। मैं आपको 1 डिकोर करके बताती हूँ। ये देखिएगा, ये आपका सेंटर में डालना है। अगेन आपने इसमें थोड़े से चंक्स डाल देने, और आप इसको जो है फ्रिज में ठंडा करें, और देन इसको आप प्रेजेंट करें, और आप देखिएगा बहुत अच्छा बड़े मज़े का चिल ठंडा जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा दिस इज़ द वे जो आपने डिकोर करना है। इसी तरह मैं सब बाउल्स को रुको करूँगी, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। पहले मैंने चंक्स डाले हैं, फिर मैंने प्यूरी को ऐड किया, देन ऊपर से मैंने विपी विप क्रीम को डाल दिया है। बहुत इजी होता है। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी, और सेम एज़ इट इज़ इसी तरह लकड़ी की नीचे गोल उसके साथ मैं गेस्ट के लिए प्रेजेंट करूँगी। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और फीडबैक देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।